अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ENG501 स्टूडेंट्स कह रहे हैं इसके भी आप मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करें, तो हाउ डिड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाउ डिड द नेटिव्स ऑफ वेस्ट सैक्सन टेरिटरी ट्रीट द एंग्लो सैक्सन। ठीक है, ये वही बता सकता है जिसने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगा। तो इसका आंसर ये है कि इन द वेस्ट सैक्सन टेरिटरी द इन्वेडर्स मेट विद स्टबर्न रेजिस्टेंस एंड सक्सीडेड इन establishing themselves only after much fighting। वाह क्या बात है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, what were the three linguistic achievements in English language, कौन सी linguistic achievements हैं English language में। तो इसमें एक dictionary of English language है by Samuel Johnson की, into folio volumes was hailed as a great achievement। वाह। अच्छा briefly describe the origin of Normandy। ठीक है, इसका origin आप Normandy का describe करना है। प्रोनाउंस इन मिडल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द सिंगुलर TU एंड प्लूरल GE, राइट अ नोट ऑन लिटरेचर ऑफ मिडल लैंग्वेज, राइट अ नोट ऑन लिटरेचर ऑफ मिडल इंग्लिश। वाह, ये आप खुद भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको भी, ये जो लिखा हुआ है, बाकी याद शाद करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन। ठीक है, ये इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम्स आर अफिक्सिस विच कैरी ग्रामेटिकल मीनिंग, फॉर एग्जांपल डी वी, ये पढ़ लेना। ठीक है, फिर ये चौथा क्वेश्चन है, फैक्ट्स अबाउट ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, 5 फैक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, फिर व्हाट इज पिच स्ट्रेस और जंक्चर, ये इसके बारे में बताना है, पिच स्ट्रेस और जंक्चर ये नीचे बताया हुआ है, ये लिख लेना आप, ये याद कर लें आप। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजिकल और सिंथेटिकल फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, ये बताने हैं, मॉर्फोलॉजिकल और सिंथेटिक फीचर्स बताने हैं मिडिल इंग्लिश के, और डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड एनालिटिकल लैंग्वेजेस के बारे में बताना है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, राइट 3 आर्टिकल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश अबाउट डोमेस्टिक लाइफ, ये बताने हैं आपने। फिर रोल ऑफ हेनरी वी आफ्टर विक्ट्री इन 1415, फिर ये बताना है हेनरी वी का रोल। फिर सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज, द नेचुरल साउंड सोर्स, फिर सोशल इंट्रैक्शन सोर्स है इसमें एक, द फिज़िकल अडेप्शन सोर्स है, द टूल मेकिंग सोर्स है, ये आप सारे याद कर लेना। ठीक है, द जेनेटिक सोर्स है, और इसके बाद पोलियालैंड। ठीक, इसमें आपकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, ये जो हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें पोलियालिथिक स्टोन एज है। फिर आप एक क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बारे में तो आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर एंड वन कैन सी इंग्लिश हैज इमर्ज्ड टू बी कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। आफ्टर द राइज ऑफ मिडिल क्लास व्हाट हैपेंड टू इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिफरेंस। फिर इसके बाद डिफाइन डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, ये लिख सकते हैं। फिर 5 फीचर्स ऑफ लैंग्वेज के हैं, डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरीनेस, प्रोडक्टिविटी, कल्चर ट्रांसमिशन, ड्यूअलिटी। इसके बाद आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट ऑफ ओल्ड मॉडर्न ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, डिफरेंस लिखना है कॉन्सोनेंट्स में ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में। और डिफरेंट, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मन कॉन्केस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका आप वीडियो का काम कर स्क्रीनशॉट ले लें, या इसका हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लेना इसको, एक दफ़ा पढ़ लें और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखा करें, इंग्लिश याद ना किया करें। फीचर ऑफ नाउन इन फीचर्स ऑफ नाउन इन मिडिल इंग्लिश, फिर राइट अ नोट ऑन ब्लैक डेथ, वाह ये क्या चीज़ है, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ, ये नोट में, या फिर ये आगे डेफिनेशन इसका एक पैराग्राफ है, इम्पैक्ट ऑफ द ब्लैक डेथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आ सकता है आपका। फिर व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, गिव रीजंस, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आ सकता है, व्हाट व्हाई उर्दू वाज नॉट मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो बेस्ती है यार हमारी। अच्छा चलो, रोल ऑफ मीडिया इन फ्यूचर डिवेलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आ सकता है आपका। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन स्टैंडर्ड, ये इसके बाद आप बारी आती है बस जी, ख़त्म।